पहलवाइयों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार यही जनार्दन होता है, परिवार ही भगवान होता है, लेकिन हमारे लिए इस देश की जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है, इसलिए हम लोग यह सब सारे काम कर पाते हैं। पहले मैं उड़ीसा में भी कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत सारे शिलान्यास किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन शिलान्यास किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे शिलान्यास करने के बाद छोड़ दिया होगा, वो पूरे नहीं हुए होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री का शायद यहां पर आना हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसका शुभारंभ करने के संबलपुर में उसका शिलान्यास किया है। तो आप मान लीजिए संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं समझता हूं साल दो साल में उसका उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन हो गया, शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया, बताया। यह है हमारी पार्टी की सरकार। वैसे मैं सारे अचीवमेंट्स की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा मेरे बहनों भाइयों तो बहुत समय लगेगा, मैं करना नहीं चाहता बहुत विस्तार में, क्योंकि आगे भी हमारे दो कार्यक्रम अभी शेष है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको और ताकत के साथ लगने की जरूरत है। और ये आप संकल्प लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाना चाहिए, कम से कम 12 घंटे का समय दिया जाना चाहिए। आप अपने मतदाता बहन भाई तक जाइए, जो काम हमारी सरकार ने किया है केवल उस काम के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, बहुत आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। लोग ये जानते हैं जो काम इस बार नहीं हो पाए होंगे मोदी जी तीसरे टर्म में उसको पूरा कर देंगे। और देश की स्थिति सारी दुनिया में कैसी बनी है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको इसका अनुमान होगा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाता, गरीब देश नहीं माना जाता, आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का, दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते हुआ देश माना जाता है। तेजी के साथ भारत आगे बढ़, यानी आप कल्पना करिए आज के 2 साल पहले हम दुनिया में 11वें स्थान पर धन दौलत यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 11वें स्थान पर थे। करिश्मा हो गया, 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे जंप देकर 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं, मॉर्गन स्टेनले भी एक मानी जानी फर्म है, वह भी ये कहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया के top 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और सुन लेना मेरी बात, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत दुनिया का एक विकसित देश बन जाएगा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।